अब तक सबको पता लग गया होगा कि जेम्स गन ने डीसी की चैप्टर 1 की पूरी स्लेट अनाउंस कर दी है, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग माल है। बट इस पूरी अनाउंसमेंट में मेरे को एक चीज हिट कर गई, वो चीज थी बूस्टर गोल्ड। भाई ये कौन सा कैरेक्टर है जिसका नाम अब तक मैंने सुना ही नहीं था? TV series called Booster Gold. Booster Gold is one of comics' really popular cult heroes. He is a fascinating guy. He's a loser from the future who uses future technology to come back to present day and become a superhero. तो मैं भी इंटरनेट पे बैठ गया इसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए। आई गेस यही सवाल आपके दिमाग में भी आया होगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम बूस्टर गोल्ड के बारे में। भाई ये है कैसा कैरेक्टर और कहां से आया है, कहां तक जाएगा? बूस्टर गोल्ड एक काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जो कि इंटरेस्टिंग होने के बावजूद भी इतना पॉपुलर हो नहीं पाया। डीसी के इस कैरेक्टर का रियल नेम है माइकल जॉन कार्टर, जो कि 1986 में अपनी पहली बूस्टर गोल्ड कॉमिक में अपीयर हुआ एंड आगे चलकर जस्टिस लीग का मेंबर भी बन गया। एंड इसकी पावर, एक्चुअली में इसके पास कोई पावर है ही नहीं। ये बंदा फ्यूचर से पास्ट में आकर फ्यूचर की टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन का यूज करके जीनियस बन गया। अगर आपके पास फ्यूचर के टेक का एक्सेस होगा तो आप भी इस टाइम में सुपर हीरो से कम नहीं। एंड ऐसा ही बूस्टर गोल्ड के साथ भी है, जहाँ इसको लेकर काफी कंफ्यूजन इसलिए भी होती है कि करंट टाइम में ये बंदा गॉथम सिटी में पैदा हुआ, बट ये अपने घोलमाल के चक्कर में अपने टाइम से काफी पीछे चला जाता है और ये सुपरमैन की शहर मेट्रोपोलिस में शहर के लोगों की रक्षा करने लगता है। वैसे तो बूस्टर गोल्ड ज्यादा पॉपुलर है नहीं, बट ये कॉमिक्स में काफी पुराना कैरेक्टर है, जहां फर्स्ट टाइम 1980 में ये जस्टिस लीग में दिखा, जिसके बाद एक्सट्रीम जस्टिस में, जिसके बाद काउंटडाउन टू इनफाइनाइट क्राइसिस द ओएमएसी प्रोजेक्ट में, उसके बाद इनफाइनाइट क्राइसिस में, 52 एंड सुपरनोवा में, उसके बाद वन ईयर लेटर में, ब्लैकेस्ट नाइट में, ब्राइटेस्ट डे में, न्यू 52 में एंड डीसी रीबर्थ में भी हमें दिखा। मतलब इसकी अपीयरेंस तो बहुत बार है, बट ये कभी भी कुछ खास इम्पैक्ट छोड़ नहीं पाया। एंड फिलहाल ये बंदा डीसी के एल्सवर्ल्ड का पार्ट बना हुआ है। अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो हो सकता है कि ये डीसी की मेन यूनिवर्स को ज्वाइन कर ले। जिसके अलावा ये कैरेक्टर एरोवर्स में भी दिख चुका है। मतलब ये कैरेक्टर कुछ भी नया तो बिल्कुल भी नहीं, बट जेम्स गन इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि जेम्स गन नॉट सो पॉपुलर कैरेक्टर को बहुत पॉपुलर बनाने के लिए फेमस है। एंड बूस्टर गोल्ड को लेकर उनका विजन मुझे सच में काफी एक्साइट कर रहा है। तो खैर ये था थोड़ा बहुत जो मैंने बूस्टर गोल्ड के बारे में इंटरनेट पे पढ़ा। बट अगर आपको मूवीज एक्टर्स के फैक्ट्स, मूवीज के रिव्यू और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय।